हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैपिटल कंप्यूटर क्लासेस में। इस पार्ट में हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है और उनकी क्या क्या डिटेल है। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में कीबोर्ड के बारे में देखा था कि कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती हैं और किस की क्या फंक्शनिंग होती है। पूरे कीबोर्ड का हमने एनालिसिस किया हुआ था। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं और नेक्स्ट इनपुट वाइज डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि कीबोर्ड कितने टाइप के हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है वर्चुअल कीबोर्ड। तो वर्चुअल कीबोर्ड का क्या मतलब होता है कि वर्चुअल का हिंदी मीनिंग जो होता है वो आभासी होता है, और ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें कीबोर्ड की इमेज जो है सतह पर बनी होती है, और आप सतह को एक आभासी कीबोर्ड के रूप में बटन को छूकर कंप्यूटर पर इनपुट दे सकते हैं। इसमें ये कोई मशीन नहीं होती है, ये आपको सरफेस पर दिखाई देता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सरफेस पे एक इमेज बनी होती है जिसमें से आप इनपुट दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका ये मशीन ख़राब होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वर्चुअल कीबोर्ड की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से होता है, ये आपका प्रोग्राम होता है और इसकी इमेज जो है, ये कैमरा दिख रहा है आपको छोटा सा, और ये यहाँ पर इस तरीके से ये इमेज होती है। यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं, आप जिसकी को भी प्रेस करेंगे वो आपके कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड होता है। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड का टाइप, ये दिया हुआ है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है आपने देखा होगा, टच स्क्रीन या आपने एटीएम मशीन देखी होगी, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस के फॉर्म में जो है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड काम करता है, और आप स्क्रीन पर डायरेक्ट ही टच करके अपना इनपुट दे सकते हैं। ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है आपको बता दें, यहाँ का देखो टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में, एटीएम मशीन वगैरह में ये दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस टाइप से होता है, ये आपको इमेज के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्ट टच करके मशीन पर या आपकी जो भी इनपुट मशीन है उस पर टच करके आप यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड का। तो ये कीबोर्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वर्चुअल कीबोर्ड और दूसरा होता है आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एक तो आपका टैबलेट, स्मार्टफोन और एटीएम मशीन। वर्चुअल कीबोर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको सतह पर उतारा जाता है। तो ये सर हमारा जो है कीबोर्ड वाला पोर्शन कम्प्लीट होता है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में हम जानेंगे कि नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या है और उसकी पूरी डिटेल देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर है, ये आपको माउस है हमारी सेकंड इनपुट डिवाइस, और इसकी डिटेल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो माउस के बारे में हम पढ़ेंगे कि माउस है क्या, एक कैसी इनपुट डिवाइस है और इसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, और इसका आविष्कार सर डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था। तो आपको तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फर्स्ट तो आपको बनेगा कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस। सेकंड, इसका इनोवेशन किसने किया। तो इसका सर इनोवेशन जो है डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सन में हुआ, तो 1964 में इसका इनोवेशन हुआ। अब माउस किस किस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, माउस का उपयोग क्या है, ये हम आगे देखेंगे। तो माउस के यहाँ पर दिया हुआ कि माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सिलेक्ट करने तथा उसे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, यह माउस का प्रमुख कार्य है कि कर्सर या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, और कमांड, डायलॉग बॉक्स एंड आइकॉन को सेलेक्ट करने या उससे संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए किया जा सकता है। जैसे आपको कोई भी फाइल सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट माउस से क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई आइकॉन या सॉफ्टवेयर खोलना है तो आप उसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि माउस को आप कंप्यूटर से कैसे जोड़ सकते हैं।
तो माउस को आप कंप्यूटर से दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो होता है आपका PS2 जो कि कीबोर्ड को भी जोड़ा जाता है, सेकंड है आपका USB। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आप दो तरीके से माउस को जो है अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, एक तो PS2 फॉर्म से और दूसरा USB फॉर्म से। अब नीचे दिया हुआ कि माउस की वर्किंग कैसी होती है और माउस में क्या क्या जो है मशीनी पुर्जे होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि माउस के तीन या दो या तीन बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट, सेकंड राइट और थर्ड है आपका मिडिल। तीन बटन जो है आपके माउस के होते हैं, लेफ्ट राइट एंड मिडिल बटन। तो हम लेफ्ट का क्या काम होता है और राइट का क्या काम होता है, मिडिल का क्या काम होता है वो हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच है जिसे दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है और जैसे रबर बॉल को हम किसी भी माउस पैड पर चलाकर माउस को हम मूव कर सकते हैं, यानी माउस की पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। और माउस की हम जो है प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन करके इसकी कार्यों में अदला बदली कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप जो भी काम आपके माउस के लेफ्ट बटन से कर रहे हैं, ये आपका माउस है, ये आपका लेफ्ट पोर्शन है और ये राउट पोर्शन है, तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके बात करेंगे तो आप लेफ्ट पोर्शन को राइट पोर्शन से और राइट पोर्शन को लेफ्ट पोर्शन से कर सकते हैं। मतलब ये वाला काम आप इस माउस से कर सकते हैं और इसका आप इससे कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको माउस की प्रॉपर्टी में जाएंगे और आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें माउस की प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं। ये माउस की खास विशेषता होती है, इसके नीचे एक रबर बॉल होती है जो माउस पैड पे आप चलाकर माउस के पॉइंटर को मूव कर सकते हैं और आप इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसकी वर्किंग में चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। और ये आपको माउस दिखाई दे रहा है कि माउस किस फॉर्म में होता है। तो सर ये माउस आप दिख रहे हैं, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट पोर्शन कहलाता है, ये राइट पोर्शन कहलाता है और ये आपका मिडिल पोर्शन कहलाता है। लेफ्ट पोर्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक से आप किसी भी आइकॉन या फाइल की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, उसको शॉर्टकट मेनू खोल सकते हैं और मिडिल से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये इसका बैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, चूँकि ये ऑप्टिकल माउस है इसलिए ये ऑप्टिकल ट्रैकिंग होल है और ये पावर स्विच है। ये आपका पूरा अपर माउस और लोअर माउस दोनों तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये माउस होता है और ये वायरलेस माउस है इसलिए यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, आप इसको चार्ज डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। माउस में मैंने बताया आपको कि तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक मिडल होता है। तो लेफ्ट बटन का काम क्या होता है, क्लिक डबल क्लिक या पॉइंट ड्रैग करने के लिए किया जाता है। राइट बटन का काम क्या होता है, जैसे आपको डायलॉग बॉक्स खोलना है या आपको प्रॉपर्टीज देखना है तो आप राइट क्लिक से कर सकते हैं। मिडिल क्लिक से आप क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट या वेब पेज को आप क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए आप मिडिल बटन का यूज़ करते हैं। ये मिडिल बटन है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो आपको माउस इस तरीके से भी आप यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि माउस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये माउस आपका फर्स्ट है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, जो कि लाइट्स के थ्रू काम करता है वो ऑप्टिकल माउस करता है। ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, और जो माउस आप लाइट के थ्रू काम करते हैं वो लाइट ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं, ऑप्टिकल माउस। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसमें सतह पर घूमने वाला कोई भी रबर बॉल नहीं होता है। इसके नीचे LED काम करती है और ये डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगें सरलता से प्रकाशित करता परावर्तित करता है, और फोटो डायोड द्वारा उत्पन्न जो भी वेव्स होती हैं वो प्रकाश तरंगें सतह से परावर्तित हो जाती हैं और जिसे सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो इसमें सर ये आप देख रहे होंगे ये सेंसर है और इसके द्वारा जो भी वेव्स ट्रांसमिट होती हैं वो यहाँ से ट्रांसमिट होंगे और कंप्यूटर तक पहुँचेंगे और इसके थ्रू जो होंगी वो रिसीव करके आपको डायोड सेंसर पढ़ लेता है।
माउस में, इसमें माउस पैड की कोई ज़रूरत नहीं होती है ऑप्टिकल माउस में, और इसमें ट्रैकर मैकेनिकल बाल ना होने के कारण इसमें टूट फूट की संभावना भी कम होती है। तो ये ऑप्टिकल माउस में ये नीचे रेड कलर की लाइट जली होती है, ये देखा ना फोटो सेल डिटेक्टर, ये लाइट है और ये LED है। मतलब इसमें दो चीज़ होती हैं, ये तो आप एक तो ये बैटरी डली हुई है आपकी, और सेकंड आपको ये डिटेक्टर दिखाई दे रही है, ये लिखा हुआ फोटो सेल डिटेक्टर, और उसी के अंदर ये LED लाइट होती है। तो ये तीन चीज़ें ऑप्टिकल माउस में इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो बैटरी होती है, दूसरा सेंसर होता है, और जो कि प्रकाश तरंगों के आधार पर काम करता है। सेकंड है आपका, एक तो हो गया ऑप्टिकल माउस जो LED पे काम करता है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब सेकंड है आपका वायरलेस माउस। वायरलेस माउस के हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वायरलेस माउस को यहाँ पर दिया हुआ कि सामान्यतः कीबोर्ड या माउस को तार के जरिए जोड़ा जाता है, लेकिन वायरलेस माउस को आप ब्लूटूथ या वाईफाई से सीधे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस के भीतर होता है, जबकि रिसीवर जो है आपका कंप्यूटर पोर्ट से जोड़ा जाता है। आप लिखा हुआ कंप्यूटर पोर्ट से जोड़ा जाता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस के द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है, जो पुनः संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। इसके लिए आपको 2.4 GHz की आवृत्ति की तरंगों की ज़रूरत होती है। तो वेव वायरलेस माउस में आप क्या क्या देख पाते हैं कि एक तो आपको इसमें तार की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें एक रिसीवर एक ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र जो होता है ट्रांसमीटर, ये कीबोर्ड में हो या माउस में होता है, और रिसीवर जो होता है आपका कंप्यूटर से पोर्ट के द्वारा जुड़ा होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसमीटर कहाँ होता है इनबिल्ट, तो वो होता है कीबोर्ड में। ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होता है आपका, वो पोर्ट के थ्रू जुड़ा होता है, और इसमें 2.4 GHz की ज़रूरत होती है। तो ये कंप्यूटर से जुड़ी जितने भी इनपुट डिवाइस की इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, और आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।